विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। 22 तक सदन से निलंबित किया गया था, उनका निलंबन समाप्त किया जाता है, वे ससम्मान सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। बोला आग्रह करता हूँ कि कम से कम दो लोगों को नामित कर दिए जो जाके उन लोगों को बुला ले। महोदय ठीक। माननीय सदस्य दीपक बिरवा जी और माननीय सदस्य अकेला जी, दोनों सारे माननीय सदस्यों को ससम्मान बुलाकर सदन तक लाए। अध्यक्ष महोदय, आज के पेपर में महोदय प्रभात खबर में निकला है, प्लस टू स्कूलों में पीटीजी शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 से। महोदय, जब यहाँ पर आस्था नियुक्ति बना नहीं और यहाँ पर दिया गया है महोदय मान्यता प्राप्त शिक्षण शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण अनिवार्य होगा, अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। महोदय, बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हुए महोदय और आज वो भी आवेदन देंगे और इसमें यहाँ मैट्रिक पास किए, यहाँ इंटर पास किए, तो महोदय जब यहाँ का स्थानीय लोगों का कोई इसमें चिन्हितकरण है ही नहीं चिन्हित किया गया है, तो ये बाहर के लोग इसमें आ जाएंगे महोदय, ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि महोदय कम से कम इसको रोका जाए और जब तक ये स्थानीय नीति नहीं बनती है तब तक यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं होती। आपका सूचना है श्री मथुरा प्रसाद महतो। महोदय आप माइक ऑन करिए। क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमती दीपिका जी का है और क्वेश्चन नंबर 82 वो मेरा है। अध्यक्ष महोदय, दोनों सिमिलर प्रश्न है, हमें लगता है उसे सिमिलर प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने लिया है विशेष कृपा है तो दोनों प्रश्न को एक साथ लिया जाए, ये मेरा आग्रह होगा। ठीक, हम देखवा लेते हैं। मथुरा बाबू, मान्य मथुरा बाबू पूछिए। जवाब मुझे मिला है महोदय उत्तर, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 6/10/2021 में सहकारिता से संबंधित सभी जिला के उपायुक्त एवं प्रमंडलीय अध्यक्ष को यह दिया गया है कि हर सहकारी समिति को 10% ठेका दिया जाएगा, तो यह हम जानना चाहते हैं कि 6/10/21 से अब तक कौन कौन जिला में कितने लोगों को दिया गया है, जरा माननीय मंत्री जी उपलब्ध कराए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम मूल प्रश्न पर आना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिन बिंदुओं को इन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया, पहला है कि भारत सरकार ने 2013 में सभी वर्क डिपार्टमेंट्स को सर सबको चिट्ठी लिखा था 2013 में कि लेबर कोऑपरेटिव्स को 10% ठीका कार्य के सभी कार्यों में प्रावधान हो कि उनको भी काम मिले। झारखंड में करीब 800 से ज्यादा लेबर कोऑपरेटिव्स हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ फंक्शन में है, कुछ इनएक्टिव है, और माननीय मथुरा बाबू का सवाल बहुत ही प्रासंगिक है अध्यक्ष महोदय, और राजहित में श्रमिकों के हित में अध्यक्ष महोदय, कि उनका पलायन ना हो, शोषण ना हो, इसके लिए हम ये करें। बिहार लोक निर्माण संहिता जो 1983 था अध्यक्ष महोदय, उसके 129 नंबर पेज में श्रमिक सहयोग समितियों को निर्माण कार्य में सुविधा के बारे में दिशा निर्देश था अध्यक्ष महोदय, PWD जो कोड बने थे बिहार के समय में उसमें थे। झारखंड में झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 से यहाँ पर एक्शन में आया और उसमें न जाने किन
कारणों से यह कंडिका छूट गया कि श्रमिक सहयोग समितियों को निर्माण कार्य में सुविधा के लिए आरक्षण देना है 10%। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि विभाग की ओर से PWD झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में इस कंडिका को इस जोड़ने के लिए अनुरोध किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और इस संदर्भ में हमारे विभागीय सचिव ने, रजिस्ट्रार ने, सभी उपायुक्त को, सभी वर्क्स डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी लिखा भी था कि भारत सरकार के चिट्ठी के आलोक में इन्हें दिया जाना, लेकिन टेक्निकल बातें कभी कभी नीचे स्तर पर एग्जीक्यूटिव ये दिखाते हैं कि हमारे जो PWD कोड झारखंड का है उसमें ये प्रावधान छूट गया है, तो इस प्रावधान को उसमें समाहित कराने के लिए विभाग अनुरोध करेगी अध्यक्ष महोदय, और जल्दी ब्रेंची बाबू हो गया माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय हो गया, 2012 में इन्हीं की गलती से श्रमिकों के हित में लिए जाने वाला निर्णय का अनदेखा किया गया था बिरंची बाबू। 2012 में आप इधर थे, उसी समय झारखंड PWD कोड बना था और उसी में ये कंडिका छूट गया, जिसके कारण आज मथुरा बाबू को ध्यान आकृष्ट कराना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल, जब आपने यहाँ का PWD कोड बनाया तो श्रमिकों की अनदेखी की अध्यक्ष महोदय। अब माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूँ, विभाग इस ओर आग्रह करेगा और जल्दी हम अनुरोध करेंगे PWD कोड डिपार्टमेंट से, और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी चिट्ठी लिखा जाएगा कि सभी विभाग के सेक्रेटरीज को ये चिट्ठी दिया जाए कि इसको सुनिश्चित किया। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना चाहते हैं, जो गलत जवाब दे रहे हैं उनको जवाब देने से रोकना चाहिए महोदय। पिछली बार मेरे सवाल पर, माननीय सुदेश महतो जी के सवाल पर, कई विधायकों के सवाल पर, बालू के सवाल पर इन्होंने कहा था, जो बात कहा था महोदय वो सारा बालू का दीवार साबित हुआ। तो ऐसे मंत्री को जवाब देने से रोकना चाहिए, जो गलत बयानी करे सदन में, जो गलत बात बोले, सदन को गुमराह करे, उनको रोकना चाहिए महोदय। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कितना अभी हमारा कहना है महोदय, बोले दीजिए। देखिए माननीय सदस्य सब सारे एक ही है, ट्रेजरी बेंच से ही सवाल होता है। सवाल यहाँ कि आज 10 वर्ष हो गया, 1 दशक हो गया महोदय, और अभी तक अनुपालन नहीं हो रहा है, और यदि कोई त्रुटि है तो विभाग ये बताए कि त्रुटि को कितने दिनों में हम दूर कर लेंगे ताकि यहाँ के श्रमिक संगठनों को काम मिले और उसको प्राथमिकता दी जाए। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, शीघ्र ही विभाग की ओर से पत्राचार किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, और हम आश्वस्त करते हैं कि जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा पिछले की गलतियों का। ठीक है महोदय, शीघ्र कितना दिन में महोदय? महोदय रहेगा महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ होती है। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी का उत्तर सरकार का उत्तर नहीं है, एक व्यक्ति का उत्तर लगता है। अब सदन में कोई मंत्री ये कहें कि हम अनुरोध करेंगे, हम पत्र लिखेंगे, ये तो ठीक नहीं है। ये जो कहेंगे वो सरकार की तरफ से कहेंगे, तो जब प्रश्न मिला होगा तो सरकार के बीच कोई वार्ता हुई कि नहीं हुई, और इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, ठोस कहिए, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, समय बता दीजिए। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, हम करेंगे, और कम से कम इतना तो जरूर आश्वस्त करेंगे कि 2012 से जो चीजें अब तक नहीं, उतना दिन तो नहीं लगेगा। लेकिन यह चूंकि PWD डिपार्टमेंट का सवाल है अध्यक्ष महोदय, तो हम अपने विभाग की ओर से, इस विभाग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उनसे पत्राचार करके शीघ्र अनुरोध करेंगे कि इस कंडिका को उसमें जोड़ दिया जाए और इसको उसमें ले लिया जाए, समाहित कर लिया जाए। ठीक है, हो गया ना? हमारा कहना है महोदय कि इसमें पत्राचार करने का नहीं,
जब कभी भी ऐसे समय दे ना कि महीना भर के अंदर हमें भी बुला ले और उनको बुलाइए, बुला के जितना जल्दी उसको करें, महीना दिन का अंदर कर दे माननीय मंत्री विभाग को, ताकि लोग। अध्यक्ष महोदय, ये एक्ट में संशोधन की बात है, राज्य सरकार के निर्णय की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसमें तकनीकी प्रावधान भी, अध्यक्ष महोदय, उन सबको ध्यान रखते हुए हम कह रहे हैं कि शीघ्र ही इसका निष्पादन कर ले। माननीय सदस्य को बुला लेंगे अध्यक्ष महोदय, उनका इच्छा है अवश्य। नहीं, हम जो निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय राजहित में, उससे अवगत करा देंगे। ठीक ठीक। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती, समीर कुमार महंती थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, और ये भी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा एक मिनट समीर जी, उनका सूचना ओझा जी का सूचना थोड़ा लेने दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। संतर महोदय, इस सदन के माध्यम से कार्य स्थगन ला रहे महोदय, राज्य के जो जनहित के सवाल है, चाहे युवाओं के रोजगार का विषय हो, चाहे कृषि मित्रों का विषय हो, चाहे गौ हत्या पर रोक का विषय हो महोदय, ऐसे सारे विषयों को लेकर कार्यस्थगन लाया महोदय। उसके माध्यम से आग्रह है कि लगातार ही जहाँ राज्य के हालात है, झारखंड की एक बेटी संध्या टोपनों की पशु तस्करों के द्वारा हत्या हो जा रही है महोदय, महोदय इसलिए आग्रह महोदय आपके माध्यम से कार्यस्थगन पर चर्चा करा दिया जाए महोदय। समीर जी, समीर जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो मिला है और मैं संतुष्ट हूँ, और मैं सरकार को धन्यवाद देंगे कि जनहित में इस तरह का मुद्दा पर तुरंत उस पर पहल किए हैं। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि नगर पंचायत में बहुत सारे ऐसा प्रसंग है जिसको नगर पंचायत में हमेशा उसको अनदेखा किया गया, उसको अलग हटा के उस पर बात किया गया है, क्योंकि नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हम नगर जैसा नहीं बना पाए। आज भी गाँव का संस्कृति है, गाँव का आचरण है, गाँव का अर्थव्यवस्था है, जैसा बिजली का डीपीएस माफ का बात आया था, ऋण माफी का बात आया था, तो हमको कहना है कि जब तक नगर को हम लोग नगर जैसा नहीं बना पाएंगे, तब तक और भी कुछ अनुसंगिक विषय है, उस पर भी पहल किया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि सरकार के उत्तर से संतुष्ट है, और हम लोग जो पहले नहीं था कि उपार्जन पोर्टल में नगर परिषद के क्षेत्र में पड़ने वाले किसानों को भी एमएसपी का फायदा देने के लिए आदेश निकाला गया है, अब व्यवस्था की गई, तो माननीय सदस्य संतुष्ट है, इससे आगे कुछ बोलना नहीं है। माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी, माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी, बिरंची नारायण जी, माननीय सदस्य आपका सवाल है, आपका सवाल है, दोषी पर कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल झारखंड में जो गौ हत्या हो रहा महोदय उसका रोक का है, सबसे बड़ा सवाल जो गौ तस्करी हो रही है झारखंड में और सरकार का खुलेआम संरक्षण है महोदय, जो संध्या टोपनो है उसके हत्या की सीबीआई जांच करानी चाहिए महोदय, झारखंड में जो विधि व्यवस्था का संकट है सबसे बड़ा सवाल वो है, जो उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी है सबसे बड़ा सवाल वो है, सरकार की घटना नहीं पूछेंगे महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल पूरा नहीं पूछेंगे, जो पिछली सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध, दीपिका पांडे सिंह, श्रीमती दीपिका सिंह पांडे सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ये सुखाड़ की जो परिस्थिति बनी है उस वक्त मेरा सवाल बहुत अहम हो जाता है, जो जवाब आया है अध्यक्ष महोदय उससे तो यही लग रहा है कि जैसे पिछले 20 सालों में सिंचाई को लेकर और जो अन्य राज्यों से जब हम तुलना करते हैं तो झारखंड की जो सिंचाई क्षमता है वो सिर्फ 41% है, जबकि हम लोगों के बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों के जिसका गठन हम लोगों के राज्य के साथ हुआ वहाँ 85% है और बिहार में 82% है। सरकार के तरफ से जो जवाब आया है उसमें उसके अनुसार जो पुरानी योजनाएं हैं जो हम लोग अपने क्षेत्र में भी देखते हैं, जो गोड्डा में कई सारी परियोजनाएं बड़ी छोटी चल रही हैं जो 20 साल में भी पूरी नहीं हो पाई हैं, वो अगर उसी रफ्तार से चला तो हम लोगों का जो वर्षा पर डिपेंडेंस है वो आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। नेहरू जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय जो परियोजनाएं शुरू हुई, जो नहर
डैम बनाए गए उसको अगर मेंटेन भी कर लिया जाता तो मुझे लगता है कि आज जो सुखाड़ की स्थिति है राज्य में वो नहीं होती। जो सिंचाई विभाग के पदाधिकारी हम लोगों के यहाँ लोकल स्तर पे हैं, उन लोगों से बीच बीच में आग्रह करने पर कहीं कहीं तो वो तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि राज्य में जो सिंचाई की उत्तर नहीं सुनेंगे उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो राज्य में अभी 41% ही भूमि जो है कृषि योग्य भूमि सिंचित है, आगे काम करके किस तरीके से हमें हम दूसरे राज्यों के बराबर पहुंचेंगे, 80%, 85%, 90%, आइडियली तो 100% होना चाहिए, उसके लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कुल 29.74 हेक्टेयर सिंचाई और कृषि योग्य भूमि है और उसमें 41.44% सिंचाई क्षमता का अभी तक सृजन कर लिया गया है और बाकी जो जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे यहां झारखंड में वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र अंतर्गत 25 योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, उसके साथ ही इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 5.35 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी। 6 योजनाएं प्रस्तावित हैं जिनके पूर्ण होने पर वार्षिक क्षमता सीरियली आप ही लोगों का सवाल है। लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत गोड्डा सहित सारा क्वेश्चन आप ही लोगों का है। राज्य में 296 चेक आपके द्वारा डाला हुआ सारा क्वेश्चन पीयर योजना का निर्माण, 193 मध्यम सिंचाई योजना एवं 22 अदर जमींदारी बांध के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है जिसके माध्यम से कुल 7,963 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित एवं 14,586 हेक्टेयर पुनर्जीवित होंगी। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर कुल सृजित सिंचाई क्षमता 17.129 लाख हेक्टेयर हो जाएगी जो सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता का लगभग 70% हम उसको हम अचीव कर लेंगे और बाकी जो 30% बचेगा उसके लिए भी योजनाएं ली जा रही है और बहुत जल्द जो भी हमारे सिंचाई योग कृषि योग की भूमि है वो सभी को पूरी तरह से कवरेज कर लिया जाएगा। चलिए हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है सरकार को, जवाब तो वो दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा करें कि जो हमारे अनुभवी सदस्य हैं, नहीं हम लोग नहीं, आपसे बोलवाते हैं, वो कुछ सूचना दे रहे हैं, आपको बोलवाते हैं नहीं तो आप मेरे भी आप भी उनको नहीं उनसे उनका आपका नहीं बोलवा रहे, आप ही बोलवा सूचना में नहीं, सूचना नहीं, वही सब सिमिलर प्रश्न है इसलिए उस प्रश्न को मैं पूछ रहा हूं। आप माननीय सदस्य आपको बता दें, आपका सवाल और इनका सवाल करीब करीब एक ही था लेकिन चूंकि आपका आगे था इसलिए उसमें वो भी एक दो पूरक पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप जी उनको पूछ लेने दीजिए, पूछ लीजिए आप पूरक पूछ लीजिए। तो हमारे अनुभवी सदस्य, मेरा उनसे निवेदन होगा कि ऐसे भी हाउस में सबसे ज्यादा बोलने का मौका उन्हीं लोगों को मिलता है, कुछ हम लोगों को भी सीखने का मौका दें। अगर कोई बात थी तो वो मुझसे भी शेयर कर सकते थे हाउस के पहले, उनका इस तरह से बीच में इंटरप्ट करना नए सदस्यों को ये अच्छी परिपाटी। ठीक, नहीं तो हम लोगों की तरफ से उनको अधिकृत कर दीजिए कि आगे 2.5 साल भी हम लोगों का सवाल जाओ। हम लोगों के भी ऐसे कई प्रश्न हैं। आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार को ये सुझाव है कि कई सारी सरकारी उपक्रम, उसमें एक झालको भी है जिससे लिफ्ट इरिगेशन का काम, सरकार की सोच ये रही होगी कि लिफ्ट इरिगेशन के काम को भी अच्छे से कराया जाएगा, लेकिन आज वो सरकारी उपक्रम करीब करीब मृतप्राय है, उसको अगर जीवित किया जाएगा तो भी एक अल्टरनेटिव सिंचाई की व्यवस्था होगी। और जो पुराने और हमारे यहाँ खास करके विधानसभा में सोनेपुर वियर योजना और अन्य जो योजनाएं हैं वहां अगर उसके लाइनिंग का काम होगा तो उसका कृषकों को फायदा होगा। श्री जयप्रकाश भाई पटेल, श्रीमती पुष्पा देवी, डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता, नमल विश्कल कोंडारी, आप सूचना दीजिए।
अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है। ये व्यवस्था है विधानसभा में कि दो प्रश्न एक तरह से हो तो कोई भी पूछ सकता है, उसे तीसरे लोग भी पूछ सकते हैं। ये तो आपकी व्यवस्था है। क्वेश्चन तो पूरा सदन का प्रॉपर्टी है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उसी प्रश्न पर। और एक ही पूरक है कि सरकार का दावा है कि हमने 41% सिंचाई कर दी है, सिंचित कर दी है कृषि योग्य भूमि को। अगर 41% होता अध्यक्ष महोदय, तो 41% इस अकाल में भी खेती होनी चाहिए थी। ये सरकार का दावा बिल्कुल हमें लगता है कि केवल कागज के पन्नों पर है। लेकिन मेरा प्रश्न सीधा दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि आप देखेंगे कि जब से राज्य बना इन 22 वर्षों में 16,000 करोड़ रुपया बृहद सिंचाई योजना में खर्च की गई है और लघु सिंचाई योजना में मात्र 2300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आग्रह है, क्या सरकार आगे लघु सिंचाई और मध्यम सिंचाई योजना में इस पैसे को अधिक करके, इस साल थोड़ा अधिक हुआ है कि जो बृहद सिंचाई योजना उतना फ्रूटफुल नहीं होता, लाभकारी नहीं होता, क्या लघु सिंचाई और मध्यम सिंचाई योजना में सरकार बड़ी राशि दे करके इन योजनाओं को पुनर्जीवित करेगी जिससे किसानों को लाभ होगा। बस सीधा एक प्रश्न। सभा की कार्यवाही 12:50 अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।